ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापद कमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरूभ्यशाग्रभा सिंधुभ्यव चापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय और प्रयास संख्या श्लोक संख्या हमने इसका तात्पर्य पढ़ा था, इसका पर पट हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। श्लोक संख्या 24 जिसमें कि पुरंजन अपनी पत्नी को बोलता है कि बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं दंड देने को तैयार हूं। मैं मुरुरूपी श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से हमने सुना किस प्रकार से प्राचीन काल में लोग इतनी सेंस तो रखते ही थे कि वो जानते थे कि एक वैष्णव का क्या जीवन में महत्व है। रूपात अपने तात्पर्य बताते हैं कि मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है, हम जानते हैं, लेकिन त्याग दान पुण्य कर्म आदि के द्वारा चेतना को जागृत किया जा सकता है। किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि यदि हम वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं तब कृष्ण चेतना को दोबारा जगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त हाथी पागल हाथी द्वारा किए गए अपराध की तुल्य बताया है। पागल हाथी जब चलता है तो उसको पता नहीं चलता, वो जानबूझ के नहीं गिराता है, चीज़ें तोड़ता है, वो तो उसके मध्य चाल से पागल तो हो ही जाता है, वो इधर तहस नहस करता रहता है हर चीज़ को। उसी तरह से हमारा ये स्वभाव जिसमें हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, ये स्वभाव हमारी भक्ति की क्यारी को उसी तरह से नष्ट कर देगा जैसे एक पागल हाथी एक क्यारी को नष्ट कर देता है। आप सोच सकते हैं, आप क्यारी कितनी कोमल होती है, कहीं पर पगडंडी बनी है, कहीं पर फूल के पौधे लगे हैं, कहीं पर फल के पौधे लगे हैं। अब ऐसे में एक पागल हाथी घुस जाए उस क्यारी में, वो तो जहाँ पैर रखेगा वहीं पर ख़त्म सब कुछ। इसी तरह से हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है जब हम वैष्णव अपराध कर देते हैं। उसको तो पागल हाथी अपराध बताया गया और हमारे आचार्य बताते हैं कि गुरु अपराध शेर अपराध होता है, ये तो पागल है हाथी है, ऐसा बताया जाता है कि हाथी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है शेर, और जब हम गुरु अपराध कर देते हैं तो इसको हम शेर लायन अपराध जानते हैं जो कि हमें हमारा विनाश ही कर देता है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध ना करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा जैसे योगी को महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने के लिए, जो कि ब्राह्मण भी नहीं थे, हाँ आप जानते हैं अम्बरीश महाराज क्या थे, सन्यासी नहीं थे, साधारण गृहस्थ थे, हाँ,
और आश्रमों में भी, आश्रमों में गृहस्थ थे और वर्ण में क्षत्रिय थे, तो किसी भी दृष्टि से उच्चतम नहीं थे। लेकिन उनका, उनके प्रति अपराध करने के कारण दुर्वासा जैसे योगी को सुदर्शन चक्र की यातना सहन करनी पड़ी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे इसलिए दुर्वासा ऋषि को, मुनि को दंडित होना पड़ा। इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो तो हरे कृष्ण मंत्र, तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए कि यदि हमारा हृदय में पाप है तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके उन पापों को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करे, अपमान करे और उसके द्वारा अपनी कृष्ण चेतना को दूषित करे, तो वह चेतना को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक कि जो अप्रसन्न, अपमानित वैष्णव है, ब्राह्मण है, उसको फिर से प्रसन्न ना कर लिया जाए बाई आवर सरेंडरेंस, बाई आवर मीनियल सर्विस। तो जब तक हम उसको नहीं कर लेते तब तक उस चेतना को फिर से नहीं प्राप्त किया। तो ये, और इसके लिए आदमी को बिल्कुल नीचे झुकना ही पड़ जाता है। कैसे किसी को प्रसन्न किया जा सकता है? एक तो क्षमा मांग के, पहला तो यही है, क्षमा मांग के, क्षमा भी हृदय से मांग के। आई एम सॉरी इज नॉट द इनफ, है ना? हम जानते ही हैं कैसे इसका एहसास होना चाहिए, सामने वाले को बार बार एहसास होना चाहिए, यस आई एम रियली फीलिंग सॉरी एंड बट इट्स बहुत डिफिकल्ट है। हमें लगने लगता है क्या हो गया, सभी से गलती होती है, मेरे से ही गलती हुई क्या, उससे गलती नहीं हुई क्या, उससे गलती नहीं हुई क्या। ये जो सरलता का अभाव है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे अपने आप को निम्न माने जाए बिना किसी अपराध के भी, आदमी सोचता है हरिदास ठाकुर से तो कोई अपराध नहीं हुआ था, हरिदास ठाकुर नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं वैष्णव के सामने जाऊंगा, मंदिर के आसपास कहीं रहूंगा तो वैष्णव मुझे देखेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, मेरे से अपराध होगा, क्यों ना मैं उनसे दूर रहूं। तो वो दूर रहते हैं बिना कुछ अपराध करे, और जब अपराध हो जाए तब क्या सोचना चाहिए। तो इसलिए हमें कैसा भाव होना चाहिए कि हम पहली बात तो क्षमा मांग सकें, बार बार क्षमा मांग सकें, उसके बाद हम सेवा कर सकें उनको प्रसन्न करने के लिए। देखिए प्रॉब्लम हमारी क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भक्ति में भी आकर ऑफिशियल ड्यूटीज़ करते हैं। ऑफिशियल ड्यूटी समझते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, कई सारे काम होते हैं ना, बैठ जाते हैं सवेरे सीट में और एक के बाद एक काम करे जाते हैं और आ जाते हैं। उस उन कामों में हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मेरी कुछ KRA है, मेरी कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सैलरी मुझे इस काम के लिए मिलती है, मैं ये काम करूँगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बॉस से, उससे उससे, तो कहते हैं भाई जी मेरे को तो यही बताया गया, मैं तो यही करूँगा, है ना। फिर कई बार बताए जाने पर ज़बरदस्ती प्रेशर में आके आदमी करता है, लेकिन उसमें उद्देश्य ये नहीं होता कि मुझे प्रसन्न चित्त करना है। ये हमारी ईगो है जो हमें ये करने नहीं देती है। हमारी ईगो हमें इस प्रकार से कार्य नहीं करने देती कि हमें प्रसन्न करना है, और वही चेतना को लेकर हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं। और यहाँ पर भी हमें कुछ ड्यूटीज मिल जाती हैं, कुछ सेवाएं मिल जाती हैं, हम सेवा मांगते हैं प्रसादम की, प्रचार की, और न जाने कौन कौन सी सेवा मिल जाती है, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें सेवा मिल गई। लेकिन क्या उस सेवा से गुरु प्रसन्न है, क्या उस सेवा से वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा हम सोचते ही नहीं है, मुझे नहीं लगता हम सोच पाते हैं। हम सोचते हैं कि सेवा कर दी मैंने, उसमें एक प्रसन्नता है अलग ही, उसमें अपने आप ही वही प्रसन्नता आ रही है, लेकिन उसको अनुकूल सेवा नहीं कहते हैं। और हमें कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी है, ऐसी सेवा जिससे भगवान, भक्त पर गुरु प्रसन्न हो सकें, उनके चेहरे पर मुस्कुरान आए, मुस्कुराहट आए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब तक वह अपमानित वैष्णव को प्रसन्न न कर ले, या दुखी वैष्णव को, या हमसे जो अब नाराज हैं, या जो भी जिन जिनके प्रति हमने अपराध किया है उनको प्रसन्न न कर ले, तब तक उस चेतना को वापस नहीं ले पाता। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। और इतने महान ऋषि जिनका नाम इतना आता है, उन पर कितनी शक्तियाँ थी आप जानते हैं। कुंती महारानी को आपको मालूम है कुंती महारानी को जो वर मिला था कि वो देवताओं को वशीकरण मंत्र दिया था दुर्वासा मुनि ने,
कि वो वशीकरण करके देवताओं से संतान प्राप्त कर पाएगी, और उसी के कारण 5 पांडव हुए थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि समझ गए थे कि आगे जाके कुंती महारानी के पुत्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पांडु को श्राप मिलेगा। इतने ऐसा त्रिकालदर्शी और इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली दुर्वासा मुनि कुछ किसी को वशीकरण मंत्र क्या कुछ नहीं कर पाए, और अंत में उन्हें अम्बरीश महाराज जैसे गृहस्थ क्षत्रिय के चरणों पर गिरना पड़ा। तो ये है रियल घटना, आप जानते ही हैं। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता क्षमा याचना करे, और हमने बताया क्षमा याचना करे और इस प्रकार से सेवा करे कि वो प्रसन्न कर पाए, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। आगे चलते हैं। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न या कांति या स्नेह से रहित देखा, ना ही मैंने तुम्हारे नेत्र अश्रुओं से सिक्त तुम्हारे शरीर को देखा, ना ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होंठों को कभी लालिमा के रहित देखा। यहां बता रहे हैं प्रभुपाद की प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है, और सुंदर का मतलब यहां पे ये है कि उसको देख के लस्टी फीलिंग ना आके रिस्पेक्टेबल फीलिंग आती है। हाँ, जब हम देखते हैं कि स्त्री के तिलक लगा है और सिंदूर भरा है, तो हमें कभी भी उसको देख के दुर्विचार नहीं आते हैं, सुंदर भी लगती है और दुर्विचार भी नहीं आते हैं। जैसे यदि किसी स्त्री का शरीर ढंग से ढका हुआ है, उसने अट्रैक्टिव कपड़े नहीं पहने हैं, जैसे कि हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि लोग एडमायर करें कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा ये पहना है, कितना कहाँ से लिया है, हमारा उस दिन बन जाता है, हमें लगता है वाह। प्रशंसा कैसे एक आत्मा को प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि आत्मा का तो काम ही कुछ और है, लेकिन हम प्रशंसा से प्रसन्न जाते हैं और इसीलिए हम अच्छा बनना चाहते हैं। फिर हम कई बार कमेंट्री पास होती है, मेरी त्वचा से तो मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो बड़ा प्रसन्नता होती है हृदय में। मैं सुनता हूँ वैष्णव आचार्य कहते हैं हमें, हम चमार हैं, चमार चमार समझते हैं, हम सोचते हैं हम त्यागी हैं, हम शर्मा हैं, या अब हम वैष्णव हैं, वास्तव में हम चमार हैं। चमार क्यों हैं? क्योंकि चमार की डीलिंग चमड़े से होती है। जहाँ भी कहीं चमड़ा देखता है कहता है ओह चमड़ा ले चलता हूँ, काम आएगा। वो चमड़े से बड़ा आसक्त होता है। उसी तरह से हम भी चमड़े से, ये जो चमड़ा है ना, इससे बड़े आसक्त हैं, इसलिए हम चमार हैं। सोचिए चमार की स्थिति क्या है समाज में, सबसे निकृष्ट स्थिति। तो हमारे हम भी चमड़े से अट्रैक्ट होते हैं, हमारी भी स्थिति सबसे निकृष्ट है, और हम अपने आप को इतना महान समझते हैं। इसलिए ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स में हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब हमें हमारी त्वचा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, हमारी कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा हो गया है, हाउ फेयर, कितना बढ़िया चमक रही है, ग्लो आ रहा है, डव लगाते हो गया इत्यादि। कैसे चेहरे में जरे से भी दाग हो जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उन दागों को हटाने के लिए, इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर ये और वो, लेकिन जो हृदय के दाग हैं, जो हृदय में करप्शन है, जो हृदय में गंदगी है, उसके लिए हम इतना प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं है। और प्रॉब्लम ये है जो दिखता है वही बिकता है। वी सेल आवर सेल्स, हाँ, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में होड़ लगी है, कौन कितना अच्छा दिख सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, और वही व्यक्ति संसार में उसकी वाहवाह होती है, चाहे रूप के कारण चाहे जबान के कारण। अंदर किसने देखा है, हु नोज कि मेरे अंदर क्या है। इसलिए हम कभी अंतःकरण को शुद्धि करने का प्रयास नहीं करते हैं, सारा फोकस इस बाहरी त्वचा पर रह जाता है। और फिर त्वचा को किसी दिन कोई एडमायर करने आता है, आप कितनी सुंदर हो, हैं मेरे पति ने तो कभी नहीं बोला था, एक अट्रैक्शन हो जाती है, कोई तो आया मुझे जिसने मुझे रियलाइज़ किया, मुझे तो दुत्कार मिलती है हमेशा। और ऐसा होता है इस संसार में, कोई बहुत सुंदर स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, जैसे कि बॉलीवुड के लोग शादी करते हैं, क्या बढ़िया उनकी कद काठी और सुंदर, ऐसा लगना चाहिए कि पूरे जीवन भर साथ में रहेंगे, क्या उन्हें चाहिए, और जीवन में सबसे सुंदर स्त्री सबसे सुंदर पुरुष आपस में मिले, शादी हो गई,
लेकिन फिर भी शादी के बाद क्या होता है, कितनी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं कई बार, जिसमें हम देखते हैं कि पत्नी बाद में रिवील करती है, मुझे बड़ा प्रताड़ित किया गया, मेरे पति ने मुझे बड़ा नेगलेक्ट किया, कई बार मुझे थप्पड़ भी मारा, कई बार मुझे गंदे तरीके से बोला, क्या हो गया ऐसा। क्योंकि वो जो चमड़ा था, चमड़ा, चमड़े से आसक्ति समाप्त हो गई ना, अब डिफरेंट स्टाइल ऑफ चमड़ा चाहिए। जूता पहनते हैं हम, जूता, चमड़े का जूता पहनते हैं 1-1.5 साल, अब कोई दूसरे स्टाइल का चमड़ा चाहिए, अब दूसरे स्टाइल के बेल्ट चाहिए, चमड़ा। उसी तरह से स्त्री से भी या पुरुष से कोई कब तक संतुष्ट रह सकता है उसकी त्वचा से, चमड़े से, फिर उसको कोई दूसरा चमड़ा चाहिए होता है, कालांतर में ऐसा हो ही जाता है। तो पति पत्नी इस प्रकार कई बार इस प्रकार उब जाते हैं और फिर दूसरे चमड़े की तलाश करते हैं। यही बताया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए हमारी रियल सुंदरता क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं, रियल सुंदरता जब स्त्री तिलक और सिंदूर लगाती है तो अत्यंत सुंदर लगती है। इस सुंदरता का मतलब है अत्यंत पवित्र लगती है, अत्यंत पतिव्रता लगती है, और इस पतिव्रता में, इस सुंदरता में ही असली सुंदरता है। इसी में असली सुंदरता है हमारी, अदरवाइज जो बाहरी सुंदरता है वो हम, जो हमने अभी चर्चा किया, दैट इज हम, वी आर बिकमिंग चमार। अगर हम चमार बनना चाहते हैं तो उसी सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट रहेंगे। तो यही हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम, हमारे कोशिश करें कि हमारा तन कैसे ढका हो। इवन पर पुरुषों का भी, पुरुषों की भी ऐसी होड़ लगी रहती है, मौका मिलते ही वो अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जहाँ मौका मिले वहीं पर दिखाने लगते हैं। द्विविधा का सुना था आपने, द्विविधा के बारे में हमने जिक्र किया था 10वें घंटों में, हाँ, बलराम जयंती के दिन, किस प्रकार वो दुष्ट बालक, वो दुष्ट बानर अपने शरीर को दिखा रहा था, शरीर के अंगों को दिखा रहा था स्त्रियों को, गोपियों को। तो इस प्रकार से आज का मानव भी हो गया है। ऐसा कहते हैं कि पहले ज़माने में केवल स्त्रियां वैश्या होती थी, आजकल के ज़माने में पुरुष भी वैश्या बन गए, क्योंकि वो भी अपने अंगों का प्रदर्शन करने लगे हैं जगह जगह, पिक्चरों में, एडवर्टीजमेंट में, और अपने अंग दिखा के, अपने बॉडी के बिल्ड को दिखा के वो एक तरह की वैश्या ही बन गए हैं, जिनको स्त्रियां, जिनके प्रति स्त्रियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का माहौल बन गया है। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रकार से हमें सज्जित होना चाहिए कि हम अच्छे लगें, ऐसे अच्छे लगें कि हमें देख के सामने वाले की चेतना शुद्ध हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है, हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल में चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ। तुमसे बिना पूछे, किससे बिना पूछे, गुरु से बिना पूछे गए क्या? नहीं, प्राण प्रिय से पूछे बिना एक इंद्रिय तृप्ति छोड़ के दूसरी इंद्रिय तृप्ति करने चला गया। मैं अपना स्वीकारता हूँ, मुझसे अपराध हुआ है। इसको ह्यूमिलिटी नहीं कहते हैं, ध्यान रखिए, ऐसी ह्यूमिलिटी तो संसार के सारे लोग करते हैं। कई बार आदमी अपने बॉस के सामने भी सर 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 सर, जैसा आप बोलेंगे सर वैसे ही होगा सर। हम ऐसे हम्बल बनते हैं, जहाँ से हमें कुछ ज़रूरत होती है कई बार हम वहाँ ह्यूमिलिटी का दिखावा करते हैं ताकि हमारा मतलब निकल जाए। हम इस ह्यूमिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हृदय में ग्रेटिट्यूड है, विनम्रता है, और हमेशा हम गिव बैक करना चाहते हैं। जब हम अपनी परंपरा में अपने गुरु से अटैच होते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू, हम गुरु से अपने, मेरे को तो, मैं तो ये मानता हूँ, हम गुरु से अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए भी अटैच नहीं होते हैं। कई व्यक्ति तो कुछ वस्तुओं के लिए अटैच होते जाते हैं गुरु से, उन्हें दिखता है कि पावर है भैया, यहाँ बहुत बड़ी पावर है। कई लोग इसलिए अटैच होते हैं कि चलो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, लेकिन कुछ लोग जो इससे भी आगे निकल जाते हैं वो केवल प्रेम से आ सकते होते हैं, उन्हें इतना प्रेम होता है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड धीरे 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 प्रेम में कन्वर्ट जाता है, जिसमें फिर बदले में आध्यात्मिक उन्नति की भी आशा नहीं रह जाती, एकमात्र आशा रह जाती है हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई प्लीज, बस। यानी कि वो कोई सेवा करने से पहले ये नहीं सोचता है इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, सेवा करी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया आशीर्वाद दीजिए, क्या आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको और सर्व कर पाऊँ, और प्रसन्न कर पाऊँ, दैट्स इट। ये बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल हो गया, जैसे गोपियों का हम सुनते हैं
कि उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हमने सुना कैसे उन्होंने पैरों की धूल तुरंत दे डाली। तो हम जब विनम्र बनते हैं तो हम विनम्र बनते हैं आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, हाँ, देने के भाव से हमारे अंदर आता है। जो विनम्रता दिखावा विनम्रता विनम्रता है, जो संसार में कई बार एक मेल हमने देखा है, कई मेल्स को हमने देखा है कि मतलब क्या, सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो दो मिलाने लगते हैं स्त्रियों के सामने। उनके पता नहीं, जैसे वो माना एक घंटे में एक शब्द बोलता हो, चार पांच स्त्रियां बैठी होंगी तो कंटिन्यूसली बोलेगा एक घंटे तक वहां बैठा हुआ था, बिकॉज ही वॉन्ट टू शो हिमसेल्फ, ही वॉन्ट टू इम्प्रेस। और उसमें कई बार बहुत विनम्रता दिखाएगा, हाँ, जैसे कि हम हवाई जहाज में जाते हैं तो एयर होस्टेस एयर होस्ट ऐसी विनम्रता दिखाते हैं कि हमें जन्मों से जानते हैं। क्या लेंगे सर, आप ये लेंगे? नहीं, अच्छा ये नहीं लेंगे, अच्छा ये लेंगे, अच्छा नहीं नहीं वो लेंगे, अच्छा मैं आप ही लाती हूँ। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई तो आया प्यार करने वाला। ध्यान रखिए हमेशा विनम्रता, ध्यान रखिए नियमों का पालन, किसके प्रति विनम्र होना है, कैसे विनम्र होना है, कौन हमारे प्रति विनम्र हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, सतर्क रहना चाहिए। हाँ, कौन हमारी ज़्यादा तारीफ कर रहा है, झूठी तारीफ कर रहा है, सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही दुष्ट लोग हमारे जीवन में एंटर करते हैं झूठी प्रशंसा करके, धीरे धीरे हम सोचते हैं ये तो हमारा शुभचिंतक है, वो प्रशंसा के माध्यम से हमारे जीवन में घुस के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इसी तरह की ये बातें यहाँ पे कर रहा है पुरंजन कि मैं तुमसे बिना पूछे चला गया प्राण प्रिय। हाँ, जब गया था तब समझ नहीं आ रहा था, जब जाके थक हार के पूरा मजा करके थक के आ गया है, अब पत्नी की जरूरत आ रही है यहाँ पर इसको, अब हमें विषयी जीवन जीना है, तो इसलिए बोल रहा है मैं चला गया था, मुझे क्षमा कीजिए, वास्तव में मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हें मुझे अपना अंतरंग समझकर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए, वास्तव में मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखिए कैसे एक आम आदमी किसी को फंसाता है, ऐसा देखा होगा आपने पुरानी पिक्चरों में या कई पिक्चरों में, सारी पिक्चरों में यह समाज में देखने को मिलता है कि आदमी क्या कहते हैं उसको, किसी का फेवर लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए दुखी बनने का प्रयास करता है। बहुत दुखी देवदास, हाँ, कोई पूछने आता है क्या हो गया आपको, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं जानता मेरे जीवन के बारे में, बचपन से ही माँ चली गई थी, बड़े होके बड़ा हुआ तो बाप ने मारा पीटा, प्यार नहीं दिया। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, क्या करें, पत्नी ने भी कभी प्यार नहीं दिया, बहुत दुखी हूँ। हाँ, सामने वाले का हृदय पसीज जाता है, ज़्यादा अच्छा, और धीरे 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 करके यहीं से गड़बड़ सिद्ध होती है। वास्तव तो ये है, अरे भैया दुखी है तो अपने कर्मों के कारण दुखी है, डोंट यू नो दैट। दुष्ट आदमी जो इस संसार में दुखी है, क्यों दुखी है? हाँ, आपकी पत्नी आपके दुख का कारण नहीं है, आपका पति आपके दुख का कारण नहीं है, आपके दुख का कारण आप खुद हो। लेकिन फेवर लेने के लिए, प्रेम लेने के लिए, प्रेम तो नहीं बोलेंगे, जो भी बोले, एक अटेंशन गेन करने के लिए आप दुखी बनने का प्रयास करते हैं, हम सब दुखी बनने का प्रयास करते हैं। फिर दूर दूसरे तरफ से पुचकार मिलती है, पुचकार मिलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, जब मैं हिंदी की कहानी में था किसी, कि एक व्यक्ति शेर के पिल्लों को घर में ले आता है, और बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल पैदा ही हुए होते हैं, पैदा होते ही ले आता है। ऐसा काम जनरली कोई करता नहीं है, कुत्तों के पिल्लों को तो लाते हैं, लेकिन शेर के पिल्लों को लाना तो, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। अब शेर के पिल्ले तो शेर है ना, कुत्ते तो फिर भी एंडे मेंडे से हो जाते हैं, जब शेर का पिल्ला होगा तो सोचिए कितना सुंदर होगा वो, और बच्चा। लेकिन उस कहानी में उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन बहुत ही छोटे होते हैं वो, पता नहीं 4 महीने के या समथिंग लाइक दैट, 4-5 महीने के, कि धीरे धीरे एक दिन उनके कहीं चोट लगती है और वो चोट को जरा चाटने लगते हैं मालिक के, और चाटते चाटते ही उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो जो पिल्ले थे वो धीरे धीरे उसको खाने की मतलब प्रवृत्ति जागृत होती है उनके अंदर, जैसे ही वो खून को मालिक के उस चोट पे चाटने लगते हैं। किसी तरह से वो अपने आप को बचाते हैं उस दिन, क्योंकि बच्चे ही थे, और तो उन्हें समझ में आया था ये तो बहुत ही रिस्की काम है, घर में शेर को पालना इज़ वेरी रिस्की, कब उसका मूड खाने वाला आ जाएगा, यू नेवर नो। उसी तरीके से जो हमें चाट रहा है, हमें प्रेम दे रहा है इस तरह का संसारिक, ध्यान रखिए कब वो आपको खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जो अटैचमेंट पैदा करते हैं वो शास्त्रों के आधार पर करते हैं, इस आधार पर नहीं कौन मुझे पुचकार रहा है। कहीं पर भी हमारे अंदर कुछ बुराई की भावना है, हम किसी के पास गए, मैं बड़ा परेशान हूँ,
वहाँ पर ये कहती है, वो इसकी बुराई करती है, उसने उसका ग्रुप बना रखा है, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ बहन, कहती बहन तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, मैं जानती हूँ यहाँ पर सभी दुष्ट हैं, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, चाटा चाटा बड़ा अच्छा लगा, किसी ने पहली बार चाटा, हाँ और उसके बाद पड़ेगा माया का चाटा, और दोनों को किक पड़ेगी और दोनों आउट होंगे, किसका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। तो कई बार इंद्रिय तृप्ति के चक्करों में हमें हम फंस जाते हैं इसी तरह से, सो कॉल्ड प्यार, सो कॉल्ड दुलार, सो कॉल्ड प्रशंसा, हाँ इससे हम फंस जाते हैं और अपने चरित्र को गिरा लेते हैं और अपना इटर्नल नुकसान कर लेते हैं। ध्यान रखिए पुरंजन की कहानी यहाँ पर ये दिखा रही है, कह रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। देखिए बड़े तरीके से अपनी बात को रख दिया, भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति का त्याग कर देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे को चाहते हैं, यह संसार की रीति है। स्त्रियां अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखना चाहती हैं, जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगे, नहीं तो छोड़ जाएगा। संसार में ट्रेनिंग भी देती है, माताएं जब बच्चे की शादी करती हैं ट्रेनिंग देती हैं, बेटी ध्यान रखियो अब तेरा पति तेरे वश में रहना चाहिए, ऐसे करेगी तो वश में रहेगा, पतियों का मुझे पता है, मैं बताऊंगी तेरे को कैसे पति वश में करते हैं। तो इस प्रकार से कामुक बनने की, अट्रैक्टिव बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अपने पति को आकर्षक लग सके और उसके वश में रह सके। जब कभी पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर आक्रमण करता है तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान दोनों को परम तोष मिलता है। कहा गया है कि कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन है, वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए घर में विषयी जीवन का भोग करते हैं। जैसा हमने सुना था अत्याहार प्रयासश्च, हाँ तो किस प्रकार से प्रयास करते हैं, अत्याहार अधिक संग्रह, अधिक संग्रह करने के लिए हम प्रयास करते हैं और इस प्रयास को करने में हम लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और जब हम थक जाते हैं तो हमें जो एक संत पुरुष है जो भक्तों के संग में रहता है, उसको रिलैक्स होने के लिए भक्तों का संग चाहिए होता है, कुछ कृष्ण कथा की आवश्यकता पड़ती है, जप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आम आदमी क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा थक जाता है या ऑफिस में बहुत ज़्यादा सुन के आता है या घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होके आता है, तब किसी का पल्लू ढूंढता है और पल्लू देने वाली भी किसी का पल्लू देखने सोच रही होती है, तो इस प्रकार से दोनों का संग हो जाता है। तो ये वही जीवन बता रहे हैं यहाँ पर कि आम आदमी बहुत परिश्रम करता है और बहुत परिश्रम करने के बाद क्या ढूंढता है, इसी तरह इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय तृप्ति की कोई वस्तु को ढूंढता है, विषयी जीवन को आप भोग करना चाहता है, इतना परिश्रम करने के बाद ऐसा हो जाता है। और आजकल के जीवन में सब लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारा परिश्रम क्या हमारे अंदर रजोगुण तो नहीं पैदा कर रहा है, एम आई बिकमिंग टू एग्रेसिव और वेरी मच टायर्ड, इतना टायर्ड कि लगता है कि कोई बस शरीर को आराम मिले किसी तरह से, तो हम अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं जिससे डेफिनेटली हम इंद्रिय तृप्ति के बाजार में गिर पड़ेंगे। इसलिए उतना ही करिए संसार में कमाने के लिए, खाने के लिए, जिससे हमारे अंदर इतनी ज़्यादा थकान ना हो जाए शारीरिक और मानसिक, क्योंकि मानसिक और शारीरिक थकान के बाद आदमी को कुछ चाहिए होता है, मनोरंजन, और वो मनोरंजन फिर इन चीज़ों में ढूंढता है। इसलिए इतना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ छोड़ हम उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए जो जिसके कारण हमें गधों की तरह काम करना पड़ रहा है, सच्चाई है, क्योंकि आपका चरित्र समाप्त हो जाएगा ऐसी नौकरी में, भक्ति का समय नहीं मिलेगा एक चीज़, दूसरी चीज़ शरीर इतना थक जाएगा पक जाएगा कि इंद्रिय तृप्ति की आनंद लेने का मन करेगा और फिर आदमी भटक जाएगा। इसलिए उतना ही प्रयास करने को कहते हैं हमारे शास्त्र, जितने शरीर और आत्मा साथ में रह सके, यही पर्पस है, आत्मा का पंछी जो है उड़ ना जाए शरीर से, बस इतना शरीर में बना रह पाए संभव, ताकि भक्ति हो पाए, इतना प्रयास करने को कहा गया है ताकि हमारी भक्ति के कार्यों में, सेवा के कार्यों में विघ्न ना पड़े, अपने जीवन को इस तरह से हमें मोल्ड करना चाहिए। लेकिन हम प्रॉब्लम यह है कि जब इकट्ठा इतना कर लेते हैं उसको मेंटेन करने में और ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। वे घर के बाहर कठिन परिश्रम करते हैं
और फिर परिश्रम की तुष्टि के लिए घर में विषयी जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे विषय सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी शहर में रहता है तो घर जाने तथा घर के विषय सुख लूटने के लिए अत्याधिक उत्सुक रहता है। एक हफ्ते से बाहर था, टूर पे था, कोई पूछ नहीं रहा था, है ना, कौन पूछेगा। बाहर था, दुखी था, घर में आने की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। घर में आने का, जाने वाले का और घर में रहने वाले का भी, दोनों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। क्यों? क्योंकि बहुत समय बीत गया है, अब हम भोग करेंगे, एक हफ्ते बाद आया हूँ, ऐसा विचार जनरली आदमी का रहता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि भी हुई है। क्या? यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए कितना परिश्रम करते हैं, विषय सुख के लिए, और एक विषय सुख से बोर होते हैं और फिर दूसरे विषय सुख में जाने लगते हैं। आज की डेट में अगर किसी को बोला जाए कि प्रभु जी, यदि जितनी सैलरी आप कमा रहे हो, कई लोगों को अगर इतने का आपका मंथली हिसाब किताब हो जाए रहने का, तो क्या आप इसको छोड़ दोगे? नहीं, छोड़ कैसे दूँ, करूँगा क्या। दे नीड समथिंग। हम बोलते हैं हमारे साथ कुछ प्रचार कार्य कीजिए, तो जनरली आदमी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक लोगों को नचाया होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें करी होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सिनेरियोज ऑफिस के अंदर होते हैं, काम में होते हैं, जिसमें आदमी सोचता है इसी में तो आनंद है, पूरा जिन कितना दिमाग लगता है। आदमी को अपने काम से बड़ा प्राउड हो जाता है कई बार, कितना दिमाग वाला काम कर रहा हूँ मैं। छोड़ ही नहीं पाता है। ऐसा सुन लगता है। तो यहाँ बता रहे हैं, तो वास्तव में यहाँ बता रहे हैं कि कर्मी लोग विषय सुख के लिए ही इतना परिश्रम करते हैं, वरना इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक मानव समाज ने अनेक प्रकार से विषयी जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकतावादी धारा में सुधार किया है। इतना डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं कि उससे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ सुविधाएं आ गई हैं। वास्तव में चरित्र का बहुत गहरा डाउनफॉल हुआ है, ज़बरदस्त डाउनफॉल। मुझे याद है बचपन में हम लोग, देखिए टेक्नोलॉजी से क्या होता है, बचपन में हमारे माता पिता हमसे कुछ कुछ सामान मंगाने के लिए बोलते रहते थे और हम भाग भाग के जाते रहते थे। अब ये ले आओ, हम भाग के गए, अब ये ले आओ, हम भाग के गए, ऐसे बहुत सारे काम काज होते रहते थे। साइकिल चलाना, ये सब पैदल जाना वॉज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, मुझे याद भी याद है, जब मैं 8वीं क्लास तक मैं एक स्कूल में जाता था, वहाँ मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बस्ता लेके, भारी भरकम बस्ता। हम रहते थे रीड्स लाइन में और कहीं पर मॉरिस नगर, कहीं दूर वहीं पर मॉरिस नगर में रहते थे, रीड्स लाइन के आसपास कहीं पर स्कूल था, 3 किलोमीटर चलना पड़ता था। उसके बाद जब हम बड़े हुए थोड़े और 9th 10th में, तो लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जाते थे, और वो जाते थे DTC बसों में। मुझे याद भी याद है, जब मैं बसों में चढ़ता था अपना पास लेके, तो मैं हाइट छोटी थी, लोग बड़े थे, 8वीं 9वीं में ही था, सब लोग बड़े बड़े चलते थे, तो मैं ऐसे दबा ही रहता था बस में, हाथ जाता नहीं था ऊपर, तो मेरा सहारा होता था लोग चारों तरफ, पकड़ तो पाता नहीं था, कि इतना दबी हुई होती थी बस, जिसमें लटके होते थे। आजकल ऐसा सिनेरियो दिखता नहीं है भाई दादे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ साल पहले तक बसों में लटक के जाया करते थे लोग, ज़बरदस्त तरीके से बस भरी होती थी, और उसमें जब 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उतरते थे तो पूरे शरीर में पसीने होते थे, तब जाके स्कूल जाते थे और फिर वहाँ से वापस आते। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह का जीवन था पहले का। अब क्या हो गया है, धीरे धीरे सुविधाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, अब हर चीज़ बटन दबाने से मिलती है। सुविधाएं, हमने भौतिक सुविधाएं करी, हमने मेट्रोज बनाई, उसमें एयर कंडीशन लगाए, हम बटन दबाते हैं तो कोई चीज़ आ जाती है, हम किसी को कॉल करते हैं तो घर में कोई चीज़ ड्रॉप हो जाती है, ऑर्डर करते हैं उंगलियों से तो घर में चीज़ आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत भौतिक डेवलपमेंट हो गया है, सुधार हो गया है, लेकिन वास्तव में आज की डेट में यदि बच्चे को ये बोला जाए कि 1 गिलास पानी दोगे तो वो उठने में 5 मिनट लगाएगा। वो सोचेगा कोई और ले आए, मेरा भाई ले आए, मेरी बहन ले आए, हाँ कोई और ले आए, वो उठेगा नहीं वहाँ से। 5 मिनट बाद ला ले आ भैया, हाँ ला रहा हूँ, मना भी नहीं करेगा। कोई बाहर का दुष्ट व्यक्ति होगा तो मना ही कर देगा, इस्कॉन के भक्त तो मना नहीं करेंगे, लेकिन शायद ये बोले लाता हूँ, करता हूँ। माँ की तबीयत खराब होगी, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं
प्रसाद बना दूं मैं, कपड़े धो दूं मैं, पोछा लगा दूं मैं, झाड़ू, जब तक बोला नहीं जाएगा। क्यों? बहुत काम है स्कूल का, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा ये है, बहुत। तो हम आपको बता रहे थे इस जीवन शैली से लोग आलसी हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, भाव चलो है, माना भाव भी है, मन कई बार दुखी, हाँ मतलब भाव भी आता है, लेकिन क्या करें, जड़ हो गया शरीर, हिलने में ना बड़ी दिक्कत है, ऐसा लगता है 5 किलो है ना कैसे उठाऊं, ये दूसरा 5 किलो कैसे उठाऊं, हाँ बड़ा मुश्किल सा लगता है। आपने ऐसा देखा होगा अपने घरों में जगह जगह कि आदमी इन सुविधाओं से आलसी हो गया है, जिसके कारण सत्यानाश हो गया आदमी। तो इसलिए बड़ा सोचने का विषय है, इस आलस से क्या हो गया है, ऐसा लगता है मैं कितना आराम है, ऐसे बैठे हैं और यहाँ बटन दबा रहे हैं, वो चल रहा है, बटन दबा रहे हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था आजकल रिमोट कंट्रोल लाइट सिस्टम आ गया है ना, कि आपने टीवी तो रिमोट वाला बना दिया, क्योंकि बचपन में हमें याद है कि हम बहुत सारे चैनल नहीं बदलते थे, क्यों? क्योंकि उतनी दूर टीवी पड़ा, यहाँ बार बार जाए कोई बटन दबाए, फिर बैठे बटन दबाए, तो चैनल बदलने का मामला ही कहाँ आता है। अब जब बाद में बैठ रहा है तो चैनल बदलता है ऐसे ऐसे। अब हमें पता लगा है कि लाइट सिस्टम भी रिमोट वाले आ गए हैं, हम बता रहे हैं कि मोबाइल से ही कंट्रोल जाता है आप अपने घर के लाइट से, इतनी हर चीज़ एट द पुश ऑफ बटन, इंद्र तृप्ति एक बटन दूर। तो इसलिए जीवन बहुत ही बर्बाद हो गया है, आलस्य बहुत तमोगुण है, आप जानते हैं आलस्य मतलब तमोगुण, ये रजोगुण से भी नीचे है, इसमें आदमी बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रियलाइज नहीं कर पाता है कि मैं कितने बड़े अनर्थ पाप करता जा रहा हूँ अपने जीवन में। पाप कर्म को जो रियलाइज भी ना करे वो तमोगुणी है, क्योंकि वो निरे अंधकार में रहता है, नशे में रहता है, धुत रहता है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति करता है, गलत गलत संबंध बनाता है, सारे नियम तोड़ता है, लेकिन उसको इसका एहसास भी नहीं होता, इसको कहते हैं तमोगुण। रजोगुण में उसको कई बार पश्चाताप भी होता है, लेकिन इतना हावी हो चुकी होती है उसके ऊपर ये जीवन, हाँ तब रजोगुण व्यक्ति को कहीं इस्कॉन का कोई भक्त मिलता है तो उसको रियलाइज कराता है, कहता हाँ यार गलत है, आई डोंट, क्यों मैंने ऐसा किया। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तो रियलाइज भी नहीं होता है। तो ये जो भौतिक सुविधाएं हमने बनाई हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कर्मी लोग ने, आधुनिक मानव समाज ने अनेक प्रकार से विषयी जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकतावादी धारा में सुधार किया है, इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है और उसका रिजल्ट भी पश्चिमी देशों में देखा जा सकता है। किस प्रकार जीवन आदमी का चरित्र नीचे गिर जाता है, इसलिए मेहनत करने से मत घबराइए, हमेशा अपने को अपने बच्चों को मेहनती बनाइए, कोशिश कीजिए कि वो मेहनती बने, सुख सुविधाओं से कुछ काम लाभ नहीं होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट हमने डिस्कशन किया आज, किस प्रकार से पुरंजनी के लिए या सुख की कामना के लिए व्यक्ति दास बन जाता है, प्रशंसा करता है और हमें प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, हम उस प्रशंसा में फंस जाते हैं, विषयी जीवन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर पुरंजन कह रहा है तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, तेरे बिना जिंदगी जी क्या है, मैं कोई कोई कुछ नहीं है तेरे बिना, क्या है, ऐसा बोल रहा है वो, और वास्तव में ऐसा बोल नहीं रहा है, वो उसको भोगना चाह रहा है वास्तव में। अब बिना उसकी इच्छा के कैसे भोगे, उसके लिए उसको मना रहा है, मनाने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है। ध्यान रखिए, यदि कोई हमारी ऐसी प्रशंसा करे शारीरिक लेवल पर, देहात्म बुद्धि लेवल पर, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे कैसे बचा जाए, कैसे करंट मारा जाए, हाँ कि उसके बाल खड़े हो जाएं, मुंह काला हो जाए एकदम से, ऐसा करंट मारेंगे तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। इस प्रकार से जीवन जिए कि सामने वाला भी सतर्क हो जाए कि नहीं यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को है इस स्टोरी से, आशा करते हैं आप सीख रहे होंगे, मैं भी उसको सीखने का प्रयास कर रहा हूँ पढ़ते पढ़ते। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना, रानी का क्रुद्ध होना शीर्षक 26वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।